साल 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के बाद प्रदेश में लगातार कांग्रेस की सरकार रही थी, लेकिन इमरजेंसी खत्म होने के बाद पहली बार प्रदेश में गैर कांग्रेसी जनता दल की सरकार आई और मुख्यमंत्री के तौर पर राजनीति के संत कहे जाने वाले कैलाश जोशी को चुन लिया गया। लेकिन वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सिर्फ 7 महीने ही रह सके। कैलाश जोशी को मुख्यमंत्री पद से हटाने का कारण उनको हुई एक विचित्र बीमारी थी। आइए जानते हैं क्या था ये सियासी किस्सा। देवास के रहने वाले भाजपा नेता कैलाश जोशी मध्य प्रदेश के इमरजेंसी के दौरान विरोध का चेहरा रहे थे। 1977 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद जोशी को सीएम चुन लिया गया। 26 जून 1977 में वे प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इसी के कुछ दिन बाद जोशी को एक अजीब सी बीमारी हो गई। मध्य प्रदेश के एक पुराने पत्रकार ने बताया कि मुख्यमंत्री रहते हुए जोशी 18-18 घंटे तक सोते रहते थे। उन्हें सचिवालय गए हफ्तों हो जाते थे और उनकी इस दशा के कारण ही सरकार के साथ ही पार्टी में भी असंतोष बढ़ने लगा था। अपने इस विचित्र बीमारी के बारे में जोशी ने कई इंटरव्यू में भी बताया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ये बात सही है कि मुझे बीमारी हुई थी, मैं लगातार सोता रहता था, इसलिए मैं खुद दिल्ली गया और मैंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई और चंद्रशेखर से मुलाकात की। मैंने उन दोनों से कहा कि मुझे त्याग पत्र देना है। मेरी बातें सुनकर मोरारजी ने मुझे बहुत समझाया और कहा कि डाक बंगले में जाकर रहो, वहां फाइलें पहुंचती रहेगी। लेकिन मैंने ये ठीक नहीं समझा और इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के साल भर बाद ही बीमारी ठीक हो गई। आज तक मुझे फिर वो बीमारी कभी नहीं हुई। मैंने पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे आज तक पता नहीं चला कि वो बीमारी कैसे और क्यों हुई थी। मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चाएं उठने लगी थी कि कुछ लोगों ने उन पर तंत्र मंत्र करवाया है। करीब 7 महीने तक चली जनता दल की पहली सरकार में जब मुख्यमंत्री कैलाश जोशी की हालत नहीं सुधरी तो उन्होंने खुद ही इस्तीफा देने का मन बना लिया था। हालांकि इस्तीफा देने के बाद उनकी ये बीमारी खुद ब खुद ठीक भी हो गई।